प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रखंड 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक 20 सूत्री अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्ष ने कई विभागों के पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर खेद व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। बैठक में क्रमवार सभी विभागों की समीक्षा किया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष ने अभ्यर्थता पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग होम को बंद कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि झोला छाप कथित चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए। उन्होंने DDT छिड़काव से संबंधित जानकारी भी लिया। अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक अनिल पाल को वर्तमान विद्यालय से तत्काल दूसरे विद्यालय में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर की साफ सफाई पर ध्यान दिया तथा शौचालयों को चालू रखा जाए। कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सोशलिस्ट राम ने बताया कि अभी तक 25 विद्यालयों से वर्ग 2 के छात्रों की सूची छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त हुई है। बाल विकास परियोजना की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष टीकाकरण के दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के करने का निर्देश दिया। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण की जानकारी लेने के बाद कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उपाध्यक्ष अमरनाथ पांडेय ने शौचालय निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच करने का निर्देश दिया। बैठक में राजस्व 14 वेबिट मनरेगा सहित अन्य विभागों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, अंचलाधिकारी अरुणिमा एक्का, सुब्राती खां, पार्वती देवी, डॉक्टर रामा शंकर प्रसाद, DRP शिक्षा श्रीकांत चौबे, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सोशलिस्ट राम, जनसेवक प्रवीण चंचल, रविंद्र कुमार, प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी उमेश राम, पंचायत सचिव संतोष सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामेश्वर राम, कामेश्वर राम सहित सभी पंचायत सचिव व अन्य उपस्थित थे। आज का बैठक का उद्देश्य उज्ज्वला योजना और कृषि आशीर्वाद योजना, जो मुख्यमंत्री की सरकार का जो अहम योजना है, जो सरकार का फोकस है, उसके एवज में आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही रहा। और इसके तहत जो भी लाभुक छूटे हुए हैं उज्ज्वला योजना के तहत, उसको घर घर जाकर उनका रिपोर्ट तैयार कर और उसे उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा जाए। इसका CO मैडम को आदेश मिला और आशीर्वाद योजना के लिए भी CO मैडम को आदेश मिला कि आशीर्वाद योजना के तहत जो भी किसान छूटे हुए हैं, जिन किसान का नहीं हो पाया है, जो सरकार का वहाँ से आदेश है कि कैंप लगा कर किया जाए, वह कैंप लगाकर करने का आदेश दिया गया, जिसके तहत हमको बोला गया कि कैंप लग रहा है, हर जगह कैंप लगाकर इसकी आशीर्वाद योजना दिया जाए। और आज अहम चीज ये रहा कि बहुत से झोला छाप डॉक्टर जो इधर उधर बैठकर अपना क्लिनिक चला रहे हैं, यहाँ तक कि घुमटू में भी क्लिनिक चला रहे हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश दिया गया कि जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। और जो सरकार का अहंता पूरा नहीं करता है, उस नर्सिंग होम पर भी अपना जांच कर उस पर कार्रवाई कर उसे बंद करने किया जाए। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।